हेलो गाइस, अगर गीजर से कम पानी आने लगे तो उसे कैसे सही करें। वीडियो की तरफ सबसे पहले आप सारे स्क्रू खोलिए और बड़ी सावधानी से जो भी कनेक्शन है आप उसे वीडियो में देख देख करके इसी तरह से ओपन कर दीजिए। अब आप इसके थर्मोस्टेट रॉड्स को ऊपर की तरफ से निकाल लीजिए और ध्यान रखिए कोई भी वायर फंस के टूटने ना पाए और बड़ी सावधानी से धीरे धीरे करके सारे स्क्रूज को आप खोल के सारे वायर्स को हटा दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से इसके सारे वायर्स को हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, इसको वाटर डस्ट जम चुकी है। बड़े हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे पीट करके इसके डस्ट को छुड़ाएं और ध्यान रखें कि पाइप पिचकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। आपके गीज़र की जो स्ट्रेट पाइप होती है वो लगभग साफ़ होती है, उसमें हल्का सा डस्ट होता है और जो यूज टाइप में बेंड होगी वही पाइप चोक हो जाती है। सबसे पहले पाइप को आप ऊपर से अच्छे तरीके से धीरे धीरे चोट दे करके साफ कर लीजिए, जितना भी आपका डस्ट है वो गिर जाए। अब आप यू टाइप वाले पाइप में बड़ी सावधानी से लाइन चोकर का इस्तेमाल करें। लाइन चोकर वो केमिकल होता है जो कि किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा और बहुत ही तेज़ होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी रखें, अपने हाथों को सुरक्षित रखें और ध्यान रखें कि पाइप में डालने के बाद कभी पाइप को टच ना करें क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब आप लाइन चोकर को दोनों सिरों पे अच्छे तरीके से डाल दें और वो धीरे धीरे रिएक्शन करके आपके पाइप को ओपन करेगा। आप धीरे धीरे लाइन चोकर को उसके दूसरे सिरे पर भी डाल दीजिए और आप देख सकते हैं कि पाइप कितना गर्म हो गया है, इसमें से धुआं भी निकलने लगा है। अब आप तब तक इंतज़ार करें जब तक आपके पाइप में से यहाँ पर से लाइन चोकर ना निकलने लगे, क्योंकि यहाँ एक छेद होता है और वो यू शेप को जाम कर देता है। इस यू शेप के छेद को खुलने के बाद आपके गीजर की रॉड लगभग पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। आप उसको हल्का हल्का सा ठोकते रहिए। उसके बाद आप किसी भी हाई प्रेशर पाइप से या समरसेबल से पाइप के सिरे को लगा कर साफ़ कर दीजिए। अब आप गीज़र के आउटर टैंक को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद सफ़ेद इसके अंदर से वाटर का डस्ट निकल रहा है और यही आपके गीज़र के पाइप को चोक कर देता है। सब कुछ साफ़ करने के बाद उसी तरीके से आप तार की सप्लाई को लगा दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।